चलिए आज हम देखते हैं आरोही और अवरोही क्रम। आरोही क्या चीज़ है, अवरोही क्या चीज़ होता है, एसेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम देखते हैं कि आरोही आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हम जाने कि आरोही क्रम क्या है, आरोही किसे कहते हैं, तभी तो हम क्रमों को व्यवस्थित कर सकते हैं। आरोही क्रम का अर्थ होता है बढ़ते से घटते क्रम। कहते तो हैं बढ़ते से घटते क्रम को, लेकिन बढ़ते से घटते क्रम आरोही का मतलब होता है बढ़ते से घटते क्रम, या कह सकते हैं कि आप छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े अंकों को व्यवस्थित करना। आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ते से घटते क्रम में या छोटे से बड़े अंकों की व्यवस्थित करना, ये तो हो गया आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है, देखिए इसमें तीन शब्द हैं, एक दो और तीन। अवरोही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में हम जानते हैं कि अवरोही क्रम में चार शब्द दिया हुआ है तो आरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या हो गया, घटते से बढ़ते क्रम, क्या हो जाएगा इसी उल्टा, घटते से बढ़ते क्रम। घटते से बढ़ते क्रम में जब हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, हमारा अवरोही क्रम कहलाएगा। अवरोही क्रम में हम घटते से बढ़ते क्रम, या इसे हम कह सकते हैं कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या लिखना है, बड़ी से छोटी संख्या, बड़ी से छोटी संख्या की तरफ हमें लिखना या व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, अवरोही क्रम कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अवरोही क्रम कहलाएगी। यहाँ पर कुछ संख्या लिखी हुई है, इनको हमें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अब हम देखते हैं कि अवरोही क्रम क्या हो गया, इनको हम कैसे व्यवस्थित करते हैं। यहाँ संख्या दिया हुआ है, इन संख्याओं को हमें क्या करना है, अवरोही और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे पहले हम आरोही क्रम में देख लेते हैं। आरोही क्रम, अब आरोही क्रम में अभी क्या बताया गया था, घटते से बढ़ते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम दोनों बताया गया। कि आरोही क्रम में कहा गया कि सबसे पहले तो हमें आरोही में छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं, क्या करते हैं, लेकिन कहते हैं बढ़ते से घटते क्रम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ संख्याएं मिला लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, दो दो चार दो छः दो आठ, यानी कि आठ आठ अंक सभी में है। इन आठ अंकों में हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पर तेरह बयासी दिया, यहाँ तेरह पच्चीस दिया हुआ, यहाँ चौदह तिरानबे दिया हुआ, यहाँ बारह बयासी दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर बारह का कोई अंक नहीं है, तो बारह सबसे छोटी संख्या है, यहाँ पर बारह सबसे छोटी संख्या है, तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, कौन सी होगी, एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार छः सौ तैंतीस संख्या दिया हुआ। तो सबसे पहला हमारा अंक क्या हो जाएगा, एक अट्ठाईस पच्चीस छः सौ तैंतीस, ये हमारा अंक बन जाएगा एक करोड़ अट्ठाईस लाख पच्चीस हजार छः सौ तैंतीस। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ तेरह तेरह दोनों में समान है, लेकिन यहाँ तेरह बयासी दिया हुआ, यहाँ तेरह पच्चीस दिया हुआ है, तो इसका मतलब तेरह पच्चीस छोटी संख्या होगी। तो सबसे पहले कौन सी संख्या लिखेंगे हम, एक करोड़ बत्तीस लाख अट्ठावन हजार छः सौ सैंतीस हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक करोड़ बत्तीस लाख अट्ठावन हजार छः सौ सैंतीस। अब नेक्स्ट संख्या जो हम लिखते हैं वो क्या लिखेंगे हम, एक करोड़ अड़तीस लाख पच्चीस हजार छः सौ उन्यासी, ये हो गया। फिर इसके बाद जो अंक लिखेंगे हम, कौन सा अंक लिखेंगे,
इसके बाद जो हम अंक लिखेंगे कौन सा अंक लिखेंगे, वो अंक लिखेंगे हम, कौन सी अंक बचा हुआ हमारा, 1,49,33,325। इस प्रकार से ये हमारा हो गया आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया, ये हमारा आरोही क्रम हो गया। हम आप जानते हैं कि आरोही क्रम का उल्टा जब लिख देंगे तो कौन सा क्रम हमारा हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। कौन सा क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इसको अब हम देख लेते हैं अवरोही क्रम में लिख करके। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हम जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अवरोही क्रम में हम देखते हैं कि इसका उल्टा यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 1,49,33,325। अब दूसरी संख्या हमारा देखते हैं कौन सी है, 1,38,25,679। इसके बाद फिर हमारा कौन सा अंक आएगा, 1,32,58,637 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा 1,28,25,633। इस प्रकार से ये हमारा आरोही क्रम हो गया और ये हमारा अवरोही क्रम हो गया। सबसे पहले बताया गया आरोही क्रम में बढ़ते से घटते क्रम, या सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं उसके बाद बढ़ते क्रम में, यानी कि बढ़ते से घटते क्रम में चले जाते हैं, और इसमें आरोही क्रम में घटते से बढ़ते क्रम में चले जाते हैं। दूसरा अंक देखते हैं हम, दूसरा अंक भी दिया हुआ है, उसको हम कैसे व्यवस्थित कर लेते हैं। सबसे पहले हम अंकों को मिला लेते हैं कि कितने अंक हैं, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है, यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 2, 4, 2, 6, 2, सभी में 8 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हमें मिलाना है कि आरोही क्रम में छोटी संख्या कौन सी, यहाँ पर 5 है यानी कि 5 सभी में, फिर 3 है, फिर 1 में 4 है। इसका मतलब है कि हमें कम से कम 534 दो में दे दिया गया, इसका मतलब है कि 535। अब 534 दो संख्याओं में से हमें देखना है, 53, 46 दिया हुआ है, यहाँ 53, 45 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि सबसे पहले जो छोटी संख्या होगी हमारी कौन सी होगी, ये संख्या होगी। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, 5,34,58,939। इस प्रकार से 5,34,58,939। इसके बाद जो दूसरा नंबर हमारा आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, 5,64,961। इसके बाद फिर हम देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं 53, 56 दिया, यहाँ 54, 39 दिया, इसका मतलब छोटी संख्या कौन सी है, 53, 56 है। तो 5,35,68,900। फिर इसके बाद नेक्स्ट संख्या हम देखते हैं 5,43,99,560। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम हो गया। आरोही क्रम में पहली संख्या हमने लिखा 5,34,58,939, 5,34,64,931, 5,35,68,900, फिर 5,43,99,560। इस प्रकार से ये संख्या हमारी हो गई। नेक्स्ट संख्या अब इसका विपरीत लिख देंगे तो ये कौन सा क्रम हमारा हो जाएगा,
और वही क्रम हो जाएगा। और वही क्रम में बताया गया कि जो सबसे पहले बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कौन सी, 5,43,99,560। नेक्स्ट संख्या फिर हमारा हो गया 5,35,68,900। फिर नेक्स्ट संख्या हमारा कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट संख्या हमारा कौन सा होगा, 5,34,68,931। फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन सी संख्या बची अभी हमारा, 5,34,00,000 यहाँ लिखते हैं, 5,34,58,939। इस प्रकार से हम देखते हैं आरोही क्रम में पहले हम छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं और अवरोही क्रम में क्या करते हैं, हम बड़े अंकों से शुरुआत करते हैं। इस प्रकार से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम को हम व्यवस्थित कर लेते हैं। इस प्रकार से हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या करते हैं, व्यवस्थित कर लेते हैं और लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमारा ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम हो गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम आप लोगों को संख्याओं को कैसे हम लिखते हैं अंकों और शब्दों में, उनका मिलान हम कैसे करते हैं। धन्यवाद।